अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। दाल मैंने ले ली है, हाफ के जी दाल ली है, बॉयल करने के लिए चढ़ा ली है, और दो टमाटर बड़े साइज के ले लिए, उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिए है। अब इसको बॉयल करके इसका बाद में तड़का। देखिए दाल बॉयल हो चुकी है, टमाटर भी गल चुके हैं। अभी इनके ऊपर से ऐसे चिमटे की मदद से ये छिलका उतार लेंगे। धनिया पाउडर, सूख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, टेस्ट अच्छा हो जाता है और मसाले भी फ्राई हो जाते हैं। उबालने टाइम अगर डालना चाहे तो आप उबालने टाइम जान सकते हैं, मैं इसी तरह बनाती हूँ। इसको डाल रही हूँ, पहले मैंने ऐड नहीं किया, इस टाइम पे कर रही हूँ इसलिए कि दाल इससे ज्यादा गल जाती है। दाल तैयार हो चुकी है, अभी मैं चावल उबाल करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और अभी नमक डाल रही हूँ। 2 चम्मच नमक के डालूंगी, 1/2 केजी मैंने चावल लिए वो उबाल करूँगी। पहले भिगो के रखे हैं बासमती चावल है, अभी मैं इसमें ये शामिल कर देती हूँ बॉइल करने के लिए। डाल देती हूँ अभी ये उबलते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ बता दूँगी कितने टाइम में इसको दम लगाना है और कितनी देर बॉइल करके इसकी कितनी कनी छोड़ के इसको दम लगाना है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब ये गर्म मसाला साबुत है, ऐड कर देती हूँ 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग के दाने और थोड़ा सा जीरा 1/2 चम्मच के करीब। ये देखिए चावल बॉयल हो चुके हैं, ये लंबे लंबे हो गए। अभी इनका पानी निकाल के इनको दम पे लगाऊंगी। दाल चावल की रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप भी अपने घर में बनाएं जरूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।